स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म थलाइवी का। अब थलाइवी पिछले महीने रिलीज हुई थी थिएटर्स में, बट चूंकि कई स्टेट्स में थिएटर्स नहीं खुले थे, भारी जनसंख्या में इसी महीने लोग देख पा रहे हैं थलाइवी को, क्योंकि दो दिन पहले ही थलाइवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। वो फिल्म वाली हमें बताएगी कि राजनीति कैसे की जाती है। अब थलाइवी के मुख्य कलाकार हैं कंगना रनौत, अरविंद स्वामी, भाग्यश्री, मधु, राज अर्जुन और नासिर। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ऑफ द ईयर है थलाइवी। और क्या इन सारी उम्मीदों पे थलाइवी खरी उतरती है? हैज कंगना बीन एबल टू डू जस्टिस टू द कैरेक्टर ऑफ जयललिता? हैज दिस फिल्म बीन एबल टू एबली कैप्चर द तमिलनाडु ऑफ दोस टाइम्स एंड द डस्ट एंड ग्राइम ऑफ तमिलनाडु पॉलिटिक्स ऑफ दोस टाइम्स? ये लड़ाई लोगों के लिए है, अपने स्वाभिमान के लिए है। इस लड़ाई में हम गिर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, मगर अब पीछे नहीं हट सकते। फिल्म देखने के बाद ये सारे सवालों का जवाब बहुत ही क्लियरली मिलता है। जहां तक कि मेरा सवाल है, पर्सनली आई वुड गिव दिस फिल्म अ ह्यूज थम्स अप। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, द एक्ट्रेस प्लेइंग द टाइटल रोल इन द फिल्म, कंगना, विदाउट अ डाउट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ द फिल्म। कंगना रनौत कंप्लीटली सिंक्स हर टीथ इन टू दिस रोल। आई थिंक शी इज डन अ फैंटेस्टिक जॉब। इट्स वेरी डिफिकल्ट वेन यू प्ले अ कैरेक्टर एज लार्जर देन लाइफ एज जयललिता। देर इज ऑल्सो अ चांस दैट यू एंड अप मिमिकिंग द कैरेक्टर और मेकिंग अ कैरिकेचर आउट ऑफ इट। फॉर्चुनेटली कंगना हैजंट डन दैट। शी हैजंट गॉन डाउन द पाथ ऑफ ट्राइंग टू एक्ट एग्जैक्टली लाइक जयललिता, बट शी इज कॉट ऑन द सटल नुएंसेस ऑफ द पर्सन, वेदर इट इज जयललिता द एक्ट्रेस और वेदर इट इज जयललिता द पॉलिटिशियन और वेदर इट इज जयललिता द लवर। आई थिंक शी इज मैनेज टू इनैक्ट वेरी वेल इन ईच ऑफ दीज फैसेट्स ऑफ जयललिताज लाइफ। सो huge thumbs up to Kangana. The other thing I want to add here is that it's only someone who's a very secure actor like Kangana who'd agree to actually have the character played by Arvind Swamy of MGR being given an equal role in a film in which she is playing the title role. I think the Arvind Swamy ka jo role hai kafi lamba hai aur bahut hi important role diya gaya hai, jaisa ki hona bhi chahiye kyunki MGR ka jo kirdar hai unhone Jayalalitha ki political career mein bahut hi ahem bhumika nibhai thi. MGR na hi unke sah kalakar the bahut sari films mein, but Jayalalitha ne politics mein entry hi li MGR ke wajah se. Ammu, main chahta hu ki tum politics join kar lo. अगर तुम जनता को प्यार दोगी तो वो भी प्यार देंगे। सो इट वॉज इंपॉर्टेंट दैट इज गिवन अ की रोल, बट इट्स सो नाइस टू सी दैट उन्हें एक इक्वल दर्जे का रोल दिया गया है एज कंगना। एंड ओनली समवन हू इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हर एक्टिंग प्रोवेस विल हैप्पीली डू दैट। एंड सो डेफिनेटली अ बिग थम्स अप फॉर दिस ऑल्सो। सो दैट्स रीजन नंबर वन। रीजन नंबर टू इज आई थिंक उस समय और उस एरा का जो माहौल है तमिलनाडु पॉलिटिक्स का, बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया है डायरेक्टर ने। एंड यू आर लिटरली ट्रांसपोर्टेड टू दैट वर्ल्ड, वेदर इट इज द मूवी सेट्स, वेदर इट इज द डस्ट एंड ग्राइम ऑफ तमिलनाडु पॉलिटिक्स। आई डिडंट नो साउथ इंडियंस कैन स्पीक सच गुड इंग्लिश। आई ऑल्सो डिडंट नो नॉर्थ इंडियंस कैन अंडरस्टैंड सच गुड इंग्लिश। Whether it is the patriarchal nature of Tamil Nadu politics of that time, jahan pe it was completely a male dominated fiefdom, Tamil Nadu politics, and how it was so difficult for women like Jayalalitha to make her place in this male dominated area. So I think in all these aspects, the director has been able to recreate that era very, very successfully. I think the third reason why this film works very well for me is that the makers were very clear. They are going to cover only that part of Jayalalitha's life, which is about her rise as an actress to her entry into politics till the time she becomes a chief minister for the first time by winning the elections hands down. पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद का जो उनका कार्यकाल है वो इस फिल्म में कवर्ड नहीं है। एंड समटाइम्स इट इज दिस लैक ऑफ फोकस, इट इज दिस लैक ऑफ क्लैरिटी विच ब्रिंग्स डाउन अ फिल्म ऑफ दिस नेचर। के जयललिता जैसे इंसान की जीवन का हर पहलू एक ही फिल्म में कवर करना चाहते हैं, कई बार वो इतना आसान होता नहीं है, बिकॉज जयललिता हैड टू गो थ्रू अ लॉट टू रीच वेयर शी डिड। एंड इवन वंस शी बिकेम अ चीफ मिनिस्टर, she lost elections, came back, lost elections and then came back again, and then finally how she died. तो वो वाला part जो है इस पर covered नहीं, focus clear है the journey of Jayalalitha to become the first woman chief minister of Tamil Nadu. वो सत्ता की लड़ाई भी वो जीती थी और ये सत्ता की लड़ाई भी मैं जीतूंगी।
क्योंकि महाभारत का दूसरा नाम है जया। तो ये जो फोकस रहा है इस फिल्म का, एकमात्र फोकस कि वो इस पार्ट को कवर करेंगे, वो बहुत अच्छा है। व्हाट इट इंश्योर्स इज दैट द फिल्म इज नॉट ऑल ओवर द प्लेस, इट डज नॉट स्प्रेड इटसेल्फ टू थिन, एंड इट इज एबल टू डू जस्टिस टू दैट जर्नी। चौथा रीजन जो फिल्म वर्क करती है वो ये है कि जयललिता का एक इमेज था, वो इमेज ये था कि वो बहुत ही अथॉरिटेरियन है, समटाइम्स एरोगेंट, समटाइम्स अलूफ। पर जब आप ये जर्नी देखते हैं जयललिता की, आपको रियलाइज होता है कि जो परसेप्शन था उनका, अगर वो सही भी था तो वो क्यों ऐसी बनी, क्यों अलूफ बनी, क्यों अथॉरिटेरियन बनी, क्यों ऐसी बनी जो आराम से किसी पे भरोसा नहीं करती थी। ये जो जर्नी आप देखते हो, दैट इज व्हेन यू गेट अ सेंस ऑफ द पर्सन बिहाइंड द लार्जर देन लाइफ पॉलिटिशियन दैट वी नो। वी डोंट नो द पर्सन, वी एक्चुअली ओनली नो दैट लार्जर देन लाइफ इमेज ऑफ दैट पॉलिटिशियन। सो आई थिंक दिस जर्नी दैट इज शोन इन द फिल्म इज वेरी इफेक्टिवली able to convey possibly why she became what she became. और पांचवी चीज जो मेरे हिसाब से वर्क करती है इस फिल्म में, वो है इसकी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कास्ट। आई थिंक अरविंद स्वामी जस्ट kills it at MGR. I think what again he has done is he has brought in his own nuance, his own understanding of what MGR was, and he has not tried to ape him or copy him. बहुत ही बढ़िया काम किया। In fact, उनको जब आप स्क्रीन पे पहली बार देखते हैं, आप realize भी नहीं करते कि वो शायद अरविंद स्वामी है। All you see is MGR. So I think it's a phenomenal performance, a very good get-up. I think the entire cast and crew should be commended for, like I said, recreating that era and also giving these looks to each of these characters because of which you are transported to that era. Nasir as Karuna has again given a very effective performance, and even Raj Arjun as RNV, MGR secretary who's earlier very averse to him getting very close to Kangana and then helping out Kangana also. ऐसा क्या जरूरी काम चल रहा था? MGR मुझे बता रहे थे कि मेदुवड़ा में होल अंगूठे से ज्यादा छपटता है, उंगली नहीं करते। Once she takes over after MGR's death, has given a very very effective performance. I think the first half of the film is slightly slow, as it should be, because it is important to set the context as to how Jayalalitha became Jayalalitha the politician, became Amma for the people of Tamil Nadu. And once the character of Jayalalitha enters politics, it really picks up pace. आपकी जीत हर औरत की जीत होगी। So these to me are the five reasons why this film works very very well for me. The only downside I feel is it may have helped agar thoda sa Jayalalitha ke character ka unki maa ke saath jo relation tha, it's a very nice camaraderie shown between her and the character played by Bhagyashree, but agar us pe thoda zyada emphasis hota, thoda sa zyada, to shayad wo emotional graph jo initial stages mein hai character ka, wo zyada ubhar ke aata, and possibly हल्का सा अगर वो बता पाते कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद क्या दिक्कतें जयललिता ने फेस की, तो शायद एक तरीके से कंप्लीट फिल्म हो जाती। बट आई थिंक दीज आर टू वेरी माइनर इश्यूज। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ लवली फिल्म, इट्स अ फिल्म दैट वन मस्ट सी। आईड गिव दिस फिल्म अ रेटिंग ऑफ 7/10। आई थिंक इट्स वेरी ब्रेव ऑफ कंगना टू मेक चॉइसेस लाइक दीज। कंगना रनौत एज यूजुअल कंटिन्यूज टू मेक एक्सट्रीमली डाइवर्स चॉइसेस एज एन एक्ट्रेस, एज फार एज अ फिल्म्स गो, एक्सट्रीमली रिस्क choices, and I think like most of her choices in recent times, this one also pays off very well for her. That's all I have to say about Thalaivi. I'd love to hear your comments as to what you think about Thalaivi the movie. What do you think about Kangana's performance and that of the rest of the cast? Whether you agree with our views or disagree with them, I'd love to hear your views in the comment section below. If you like our review, please do subscribe to our channel, and for more such reviews, we'll see you soon. Thank you.